इलाहाबाद में हमारे एक मित्र हैं श्रीपत जी, क्या नाम? श्रीपत जी, वो नगर आयुक्त रहे हैं, कहीं कमिश्नर रहे हैं, और समाप्त काल उनका इस समय लखनऊ में है, हो रहा है, और इलाहाबाद में उन्होंने मकान बना लिया। वह हमारी पुस्तकों के बहुत प्रेमी हैं और उनकी गाड़ी में बीजक व्याख्या जरूर रखी रहती है, कहीं भी चले। एक जगह एक्सीडेंट हुआ तो वह उधर गिरे और बीजक व्याख्या उधर गिरी, कुछ नहीं हुआ। जब वह अपने से बड़े अफसरों के पास जाते हैं तो कहते हैं, साहब मैं कबीर साहब की कुछ वाणी सुनाना चाहता हूँ, सुनेंगे? हाँ भाई सुनाओ। और जो अपने से छोटे अफसर होते हैं उनको कहते, सब बैठो, मैं कबीर साहब की वाणी सुनाने जा रहा हूँ। वह अपने ऑफिस में ही कबीर साहब पर बोलने लग जाते हैं। ये लोग गए थे उनसे मिलने एक बार इलाहाबाद में, वह नगर आयुक्त थे उस समय। तो अब नगर आयुक्त के लिए तो एक एक उपद्रव रहता है, क्या मांग को लेकर के लोग आए थे ऑफिस में और नीचे ज़मीन में बैठ गए थे, और मेरी मांग पूरी नहीं होगी, यहाँ से नहीं हटेगी, सब हल्ला कर रहे थे। वह शांत बैठे थे, जब वो लोग थक गए अब चुप हो गए, तब इन्होंने कहा, अच्छा आप लोग सुनो, मैं कबीर साहब की वाणी सुनाने जा रहा हूँ। वो बोलते रहे, कोई गुस्सा नहीं, कोई क्रोध अजीब उनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं, सहज बोलेंगे और कबीर साहब की बात शुरू कर देंगे, कहीं भी रहे कबीर साहब की बात शुरू कर देते। उनको सबसे बड़ा प्रिय शब्द बीजक शब्द का 112वां है, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, मैं उसी पर बोलने जा रहा हूँ। तो भूमिका में उनकी याद कर लिया, बड़े अद्भुत अफसर हैं, कभी उनको शिकन देखा ही नहीं, इतने बड़े पोस्ट पर हो करके कभी शिकन नहीं। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वारे सो निर्वाण, ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया, ई मन बड़ा की जय मन माना, राम बड़ा की रामई जाना। चार पंक्तियाँ कुल हैं और एक महान शास्त्र है, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम। राजा राम साहब जीव को कहते, मनुष्य जीव को, ये मनुष्य जीव राजा राम है, ये राजा है, राम है, ब्रह्म है, महान है। झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, अय राजा राम, अय महान मनुष्य, एक बहुत बड़ा झगड़ा मचा है। जो निर्वारे सो निर्वाण, जो इसका निर्वार कर दे, निर्वार का मतलब खोल देना, साफ कर देना, निर्णय कर देना, वह निर्वाण को प्राप्त करेगा। निर्वाण नाम मोक्ष, कल्याण। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ होता है बुझ जाना, जैसे दीपक बुझ जाता है उसको निर्वाण, दीपक का निर्वाण हो गया कहा जाता है। यहाँ अर्थ है वासना का बुझ जाना, वासना ही जीव को परेशान करती है, वासना बुझ गई शाम, देह में रहते रहते जिसकी वासना बुझ गई क्या पूछना, देह तो बुझने वाली है आजकल में, बुझ जाएगी वासना, पहले बुझ जाए यही जीवन की सफलता है। वैराग पहले करो, आज से 150 वर्ष पूर्व अमेरिका के महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की पत्नी बहुत संपन्न अमीर घराने की थी, और वे स्वयं इतने गरीब घर के थे कि उनका पिता लकड़ी कुल्हाड़ी से चीर चीर कर मजदूरी करता था, यही काम करता, लकड़ी चीरना कुल्हाड़ी से। और 7 वर्ष के अब्राहम जब हुए तो उनको भी, उनके हाथ में भी कुल्हाड़ी पकड़ा दी। तो बहुत गरीब घर में शिक्षा की व्यवस्था कोई अच्छी नहीं हो पाई,
लेकिन उनकी पत्नी अमीर घर की, और अब्राहम लिंकन की महानता से रीझ कर वे उनसे शादी की। बहुत रजोगुणी थी, धनी घर की लड़की भी थी, रजोगुणी भी थी, और बहुत ठाट बाट से रहना चाहते थे, लेकिन गरीब समझती थी कि साधु के साथ तो ऐसे ही होके रहना है। जब उनको पोस्ट मिला और विधानसभा भवन में गए तो वह सोचती थी कि अब हम अच्छा खर्च कर सकती हैं, लेकिन अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जिस धन से राज्य चलते हैं वह धन पब्लिक का, नेता का नहीं, इसलिए हम गैर कानूनी पैसा कहीं नहीं ले सकते, तो वहाँ भी सावधान होकर रहे। जब राष्ट्रपति हुए तब जरा फिजूल खर्ची की और उसको लेकर के लोकसभा भवन में आंदोलन भी हो गया। $20,000 स्वीकारा गया था कि व्हाइट हाउस को सजाने के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन उन्होंने $27,000 खर्च किया डॉलर, और अपने लिए गहने कपड़े भी बहुत कीमती कीमती बनवा लिए। इसको लेकर के लोकसभा भवन में विरोध में खड़े हो गए। लिंकन 3 मिनट बोले, सब शांत हो गए। वो बहुत रजोगुणी थी लेकिन पतिव्रता थी, अपने पद के अनुसार चलते थे, बोलने वाली थी। जब इनको गोली लगी है, साथ साथ बैठी थी, नाटक देख रही थी, तुरंत तो बिचारी वो बदहोश हो गई, रोती बिलपती रही। अंत में अपने 3 लड़कों के साथ वो नहीं रही, अपनी एक बहन के पास चली गई, वहीं रही एक कमरे में। वो पलंग उठा ले गई जिस पर वो और लिंकन रहते थे, और लिंकन जिस तरफ सोते थे उसको वो रोज छोड़ देती थी, उस पर नहीं सोती थी, दूसरे हिस्से में सोती थी, और मौन रहती थी, एकदम चुप। इतनी रजोगुणी और फिजूल खर्ची की इच्छा वाली, बन ठन करके रहने वाली, और एकदम मौन हो गई थी, क्योंकि उसका तो सब लुट गया था। वैराग्य, एक प्रकार का वैराग्य उदय हो गया, चुप रह, दिन भर चुप, सब समय चुप रहती थी। ठोकर की भी जरूरत है, विवेक से सारा बंधन नहीं कटता है, ठोकर लगता है तो कटने में सरलता रहती है। इसलिए जीवन में ठोकर आए, अपमान आए, तो घबराओ ना। मैंने तो अपने जीवन में देखा, जहाँ जहाँ मुझे ठोकर लगा, आसपास के लोगों से लगा, आसपास के लोगों से लगता है, वहाँ वहाँ मुझे और प्रकाश मिला। इसलिए जिनसे ठोकर लगा उनके प्रति मेरे मन में सहानुभूति रही और सद्भाव रहा कि उनके कारण से हमारा विवेक और चमका, और अपने को मैं कसने में सही पाया। जब एक भरी सभा में, यहाँ हजारों की भीड़ थी, और एक महंत ने मुझे करीब 1.5 घंटा तक खूब उल्टा पलटा कहा, खड़ा होकर, मुझे कुछ भी नहीं लगा कि कोई मुझे कुछ कह रहा है, एकदम प्रसन्न था। और जब मैं आखिर में बोला तो उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं की, अपने विचार कहे। मेरा अंतिम भाषण था, जब मैं उठा तो उन्हीं का शिष्य मेरा पैर पकड़ लिया, क्या साहब मेरे गुरु जी की बात आप नहीं सुने? मैंने कहा नहीं सुने। और जब मैं उनके नगर में गया कुछ वर्षों के बाद, तो उनसे मिलने गया तो इतने गदगद रहे कि हद। तो मैंने अपने को पाया, जहाँ विरोध हुआ, जिसने हमारा विरोध किया, जिसने हमें बदनाम किया, जिसने हमें कटु कहा, उससे मैंने प्यार किया और उससे खींचा नहीं, वैर बांधने की तो बात ही नहीं।
और मुझे ज्ञान का प्रकाश और मिला। तो अब्राहम लिंकन की पत्नी मौन रहती थी, एकदम अपनी बहन के पास एक कमरे में मौन। कब तक बोलोगे? बहुत बोलने वाले को भी मौन साधना होगा, बहुत जानने वाले को भी अस्मृत खोना होगा, बहुत भीड़ भी छट जाएगी, टूट जाएगी माया। जीव अकेले आया जग में और अकेले जाया। ये कुछ पंक्तियाँ मेरे एक छंद की हैं। श्री प्रेम साहब इसको खूब गाते और गवाते थे। आखिर में, आखिर वर्षों में बारम्बार वो कहें इसको गाओ। बोलने वाले वो खूब थे लेकिन उस समय मौन थे, क्योंकि उनको ऐसा हो गया था कि वो बोल नहीं सकते थे। कब तक ये बोलना है, कब तक चलना है, कब तक देखना है, कब तक मिलना है, ये सब खत्म हो जाएगी। असली स्थिति है इस देह में रह करके वासनाहीन हो जाना, निर्वाण वासनाहीन। जब आप बैठे हो, लेटे हो, किसी स्थित में हो और मन वासनाहीन हो गया है, संकल्पहीन हो गया है, शांत, ये उच्चतम स्थित है। यहाँ कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं। मन द्वैत खड़ा करता है, द्वैत आदि वे भयम भवति। द्वैत से निश्चित है भय उत्पन्न होता है, द्वैता द्वैत से वही निश्चित भयम भय भवति होता है। दूसरे से भय उत्पन्न होता है और दूसरा कौन बनाता है? मन। मन याद किया कुछ का, बस द्वैत खड़ा हो गया। और जिस समय मन नहीं रह गया, शांत बुझी हुई आग की तरह, उस समय क्या पूछना है? ये आपकी स्थिति है, उच्च स्थिति। इसके लिए प्रयत्नवान हो। ये चहल पहल ज़्यादा दिन नहीं है, ये मिलना ज़्यादा नहीं है, ये मित्रों का संगम, पति पत्नी का संगम और बच्चों का संगम और शिष्यों और अनुगामियों का संगम, ये बहुत दिन का नहीं है। ये सब खो जाने वाला है। और जो इसमें अपना मन रखेगा वो फिर उलझ गया, फिर उसको भटकना। इस संसार में कहीं भी रस लगा तो लौट के आना है। ये जब पूरा निरस हो जाए, और उसका व्यवहारिक पक्ष है मन निर्मल और प्रशांत हो जाए, आनंद घन हो जाए, क्योंकि मन अमन हो गया, आनंद घन है। साहब कहते हैं, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, अय राजा राम, अय महान मनुष्य, अय परब्रह्म, अय परमात्मा, तू परमात्मा है, अपने को देख। एक बहुत बड़ा झगड़ा मचा है, इस झगड़ा का जो निर्वार कर दे वो निर्वाण, मोक्ष, कल्याण, परमानंद पाएगा। तब वो झगड़ा का रूप बताते हैं। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, ब्रह्म की बड़ी चर्चा है। साहब कहते ब्रह्म बड़ा है कि ब्रह्म का निर्धारण करने वाला बड़ा है, ब्रह्म का निरूपण करने वाला, उसका नक्शा बनाने वाला, उसका व्याख्यान करने वाला, उसको रूप देने वाला बड़ा है कि ब्रह्म बड़ा है? ब्रह्म बड़ा कि जहाँ से आया। तो पंडित ने कहा कि वेद में लिखा है ब्रह्म सबसे बड़ा है, इसलिए हम उसको बड़ा मानते हैं। तो साहब ने कहा वेद बड़ा कि जिन उपजाया, वेद बड़ा है कि वेद का रचयिता बड़ा है? पंडितों ने कहा कबीर आप तो पीछे पड़ जाते हैं। अरे हम तो मानते हैं कि वेद बड़े हैं, हम मानते हैं कि वेद अनादि हैं और बड़े हैं। साहब के ई मन बड़ा कि जय मन माना, ई मन बड़ा है कि मन को मानने वाला बड़ा है? आपने मान लिया कि वेद अनादि हैं तो मानने वाले तो आप हैं, तो मन बड़ा है, मान्यता बड़ी है कि मानने वाला बड़ा है? पंडित ने कहा कबीर तुम हमारे पीछे न पड़ो, भगवान जाने, ईश्वर जाने। तो कहे राम बड़ा कि राम ही जाना, ईश्वर बड़ा है कि ईश्वर की कल्पना करने वाला? तुम कहते ईश्वर जाने। यहाँ की चीज़ आप पूछिए क्या है तो मैं बता दूंगा, ये चादर रखा है, ये झोला रखा है, ये दीवार के पीछे क्या है, तो हम कहेंगे राम जाने। अंधकार में है वही राम जाने, हम कहते
पंडित ने कहा कि महाराज हम एकका नहीं सकते हो तो राम जाने। तो साहब ने कहा राम बड़ा कि राम ही जाना, राम बड़ा है कि राम को जानने वाला बड़ा है, राम को समझने वाला बड़ा है। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। तीर्थों में लोग भटकते हैं, साहब कहते हैं भटक भटक करके सब परेशान हैं। तीर्थ बड़े हैं कि तीर्थों की स्थापना करने वाला बड़ा है, इसमें प्रश्न है। साहब मुक्केबाज की तरह प्रश्न करते हैं। ये लिंडा हैस ने कहा है, लिंडा हैस ने बीजक के कुछ पदों का इंग्लिश में छंदोबद्ध अनुवाद किया और शायद एक चौथाई या कितना है उसने भूमिका में लिखा है कि मैं पूरा बीजक समझ ही नहीं सकती तो क्या अनुवाद करूं, जिसको मैं समझ सकी हूँ कर रही। परियानी जी ने अब पूरा कर दिया है, पूरे बीजक का अनुवाद छंदोबद्ध, जो कोई इंग्लिश जाने उसको पढ़े। तो उसने लिखा है कि कबीर मुक्केबाज की तरह चारों तरफ से घेर देते हैं प्रश्न पर प्रश्न। कबीर की वाणी वैज्ञानिक वाणी है, धर्म के क्षेत्र में ऐसी ज्वलंत वाणी एक साथ मिलना मुश्किल है। ऐसी वाणी अन्य शास्त्रों में है, जगह जगह है, थोड़ी थोड़ी है, और उसकी विपरीत बहुत है। कबीर की तो पूरी वाणी दहकती आग, एक तरफ से लेके सब। धर्म के नाम पर झूठाइयाँ खूब हैं, धर्म के नाम पर इतना झूठ बोला जाता है कि हद है। वकील व्यापारी और राजनेता जितना झूठ नहीं बोलते हैं उतना धार्मिक बोलते हैं, और वकील राजनेता ये सब अपनी झूठाई से गिरफ्त हो सकते हैं, दंडित भी हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक अपनी झूठाई से प्रशंसित होते हैं। वे कहते हैं हमारे गुरु जी 300 वर्ष के थे, सब कहते हाँ महात्मा हैं होंगे। जब एक जगह मैं था, अयोध्या से उत्तर कार्यक्रम था, तो एक भक्त हमारे सादिके से पूछा, भक्त नहीं वो ऐसे दूसरा था, दूसरा पूछा कि महाराज आपके गुरु के दर्शन पाया मैं बहुत खुश हो गया। वो एक कितने 150 वर्ष से कितना कहा, इतने वर्ष के हैं और मैं बहुत खुश हो गया। तो इन्होंने पूछा क्या आपको लगा कि 150 वर्ष के हैं, कहे महात्मा हैं होंगे लोग कहते हैं। तो उन्होंने असरियत बतलाई, उस समय मेरे शरीर की उम्र शायद 70 की रही होगी, अब 76 चल रहा है। तो महात्मा के लिए जो कहो तो लोग प्रश्न नहीं करते होगा। अगर महात्मा ने एक बिल्ली को ऊंट बना दिया कोई कहे तो कहेंगे हाँ होगा भाई, महात्मा तो पहुँचे हुए हैं। तो महात्मा के नाम पर जितना झूठ बोलो, धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर खूब चलता है। कबीर इस धर्म के सिलसिले में एक अद्भुत पुरुष है, जो आज से 500 वर्ष पूर्व ऐसा कहते हैं कि सामान्य लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अद्भुत पुरुष, सब जगह कहीं जगह डर नहीं। उसी समय बोधक नाम का ब्राह्मण कह दिया था कि जैसे इस्लाम धर्म वैसे हिंदू धर्म दोनों से कल्याण है। इतने पर मुकदमा चला और उसको फांसी की सजा हुई। ये लखनऊ घटना है कि इस्लाम के समान हिंदू धर्म कैसे हो सकता है काफिरों का। और उसी समय कबीर ने कहा था काजी तुम कौन कितेब बखानी, झंखत बगत रहो निष्बासर मत ये को नहीं जाने। सत्य अनुमाने सुनत करत हो मैं न बदों का भाई, जो खुदाए तेरी सुनत करता है आप ही कट क्यों नहीं आई। सुनत कराए तो रुक जो हो ना औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रहिए। पहर जने जो ब्राह्मण हो ना मेहरी क्या पहराया, वो जन्म की सुदृढ़ पर से तू पाने क्यों खाया। खोज देख खोजा दे बहिष्ट कहाँ से आया, हिंदू तुरुक कहाँ से आया, किन या राह चलाया। दिलमा खोज देख खोजा दे बहिष्ट कहाँ से आया, एकदम क्रांत। अब काजी तुम कौन किताब बखाने, किस किताब का व्याख्यान करते रहते हो,
झंखत बकत रहो निश्वास, रात दिन झंखते हो बकते हो और एक भी अच्छी बात समझ नहीं पाते हो, मत ये को नहीं जाने। शक्ति अनमाने सुनत करो तो मैंने बताऊंगा भाई, शक्ति बलपूर्वक तुम बच्चों के पेशाब की खड़ी को कटवाते हो, मैं इसको मैं नहीं मानूंगा, ये उचित नहीं है। जो खुदाए तेरी सुनत करता है आप ही कट क्यों नहीं आए? अगर खुदा को ये पसंद होता तो कट करके आता उतना उतना अंश, खुदा की अगर ठीक करते हो। सुनत कराए तुरुक जो होना औरत को क्या कहिए, पेशाब इंद्री की खलड़ी कटा करके अगर तुम मुसलमान बनते हो तो तुम्हारी औरत का क्या होगा, उसका तो सुनत कुछ नहीं होता है, तो हिंदू रही और तुम मुसलमान, ताते हिंदू रही है, तुम भी हिंदू रह जाते तो क्या बुरा होता। सुनत कराए तुरुक जो होना औरत को क्या कहिए, अर्ध शरीरी नारी बखानी, स्त्री आधा शरीर है, अब वो हिंदू है उसकी सुन्नत हुई नहीं तो तुम भी हिंदू रह जाते। पंडितों ने कहा अच्छा किया, कबीर ने खूब ललकारा। कबीर ने कहा देखो अब तुम्हें भी कहता हूँ, पहरी जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहराया, जनेऊ पहन करके तुम ब्राह्मण बनते हो तो मेहरी को क्या पहना है, प्रयोग कैसा मेहरी, मेहरी क्या पहना, मेहरी तो जनेऊ नहीं पहनाते, वेद में अधिकार नहीं, गायत्री में अधिकार नहीं, तो पहरी जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहरा है, वो जन्म की सुदृन परसत तू पानी क्यों खाया, अब वो न तो यज्ञोपवीत है न गायत्री मंत्र है उसके साथ, वो अब्राह्मण है शूद्रा है, और वही रोज परसती है तुम्हें भोजन और शूद्र का हाथ बनाया खाते हो, शूद्र का हाथ का खाते हो और दूसरे शूद्र को कहते हो ये अछूत है, तू पानी क्यों खाया। और हिंदू तुरुक कहाँ से आए, ये हिंदू तुरुक कहाँ से आ गए हैं, हिंदू झूठ तुरुक झूठ इंसान सच्चा, हिंदू तुरुक कहाँ से आया, किन्हीं राह चलाया, ये हिंदू मुसलमान का रास्ता कहाँ चल गया, दिल में खोज देख खोजा दे, अरे खोज करने वाले इंसान दिल में खोज करके देख, बेहिस्त कहाँ से आया, कहाँ से बेहिस्त आया, और भेज देने के लिए तुम दूसरों को काटते हो, इतना सीधा सीधा उस जमाने में कहना। और ये नहीं कि उनकी बात लोग सुनते नहीं थे, उनकी बात तो थोड़े दिन से गूंजने लगी थी और कोई कुछ नहीं कर पाया, और कबीर साहब 119 वर्ष 7 महीने 26 दिन रह करके शरीर छोड़े, और वो भी सब जब शरीर छोड़े तो हिंदू मुसलमान दोनों तैयार, हम जलाएंगे हम गाड़ेंगे। आनी अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है, अबुल फजल ने लिखा है कि कबीर एकतावादी जिनके विषय में अनेक किंवदंतियाँ हैं, जिनके विषय में अनेक अच्छी अच्छी बातें हैं, वो यहाँ सोए हैं, और उनके मरने पर हिंदू कहते थे हम जलाएंगे, मुसलमान कहते हम गाड़ेंगे, ऐसे एकता के मसीहा थे। ये अबुल फजल ने लिखा आईने अकबरी में, अकबर के ज़माने में, कबीर साहब कुछ दिन बाद। कोई सत्य कहने का साहस करे और निष्पक्ष हो तो कबीर का उदाहरण लेना चाहिए। साहब कहते झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, ऐ राजा राम ऐ महान मनुष्य, एक बहुत बड़ा झगड़ा है उसका जो निर्वार कर दे वो निर्वाण को प्राप्त करता है, कल्याण को प्राप्त करता है। इस दुनिया में श्रेष्ठ कौन है, ब्रह्म बड़ा कि जहाँ से आया, अगर ब्रह्म को आत्मा से अलग कहते हो तो ब्रह्म बड़ा है कि ब्रह्म की कल्पना करने वाला, ब्रह्म की कल्पना करने वाला बड़ा है, ब्रह्म बड़ा नहीं। अगर आत्मा ही ब्रह्म है तो बस ठीक है, यही तथ्य है। उपनिषद के ऋषियों ने भी अंत में यही माना कि आत्मा ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि, उन्होंने कहा अहम ब्रह्म अस्मि, अहम मैं ब्रह्म श्रेष्ठ अस्मि हूँ, अहम ब्रह्मास्मि मैं श्रेष्ठ हूँ, उपनिषद के ऋषियों ने भी कहा। तत्तमस वही तू है,
अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ब्रह्म है। संस्कृत भाषा के अनुसार उत्तम, मध्यम, अन्य पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष मैं, मध्यम पुरुष तू, अन्य पुरुष यह। इसमें खटर ककाक तरंग में लेखक ने लिखा है, जो बिहार के बहुत बड़े विद्वान थे, ये संस्कृत वाले उत्तम पुरुष अपने को मानते हैं, मैं उत्तम पुरुष हूँ। तो व्यंग है, व्याकरण के अनुसार ठीक है। उत्तम पुरुष मैं, और तू मध्यम पुरुष, यह अन्य पुरुष। अहम ब्रह्मास्मि, यह उत्तम पुरुष है, मैं ब्रह्म हूँ। तत्त्वमस, मध्यम पुरुष, वह तू है। अयम आत्मा ब्रह्म, अन्य पुरुष है। लेकिन सामान्य लक्षण क्या है? प्रज्ञानम ब्रह्म, मैं तू यह, तीनों में ज्ञान है। ये सब सजाती है आत्मा, आत्मा ज्ञान स्वरूप है, और यही ब्रह्म है। और इस पर हस्ताक्षर दुनिया के समस्त चिंतकों का है। इस्लाम में कट्टर ईश्वरवाद है, आत्मा से अलग ईश्वर, लेकिन उसी में सूफी मत निकला, जिसका गढ़ ईरान में काफी रहा। और ईरान को मुसलमानों ने जीता तो, लेकिन सांस्कृतिक ढंग से और दार्शनिक ढंग से ईरान ने अरब को जीत लिया, क्योंकि जो वहाँ का संस्कार था आत्मवाद का, उभर करके सामने आया। वहीं के मंसूर थे ईरान के ही सन, जिन्होंने कहा था अनलहक। अनलहक का अर्थ होता है मैं सत्य, और इसी पर उनको सूरी पर चढ़ाया गया था। सूरी बहुत बेदर्द मौत का ढंग है। एक लोह का स्तंभ होता है, उस पर नुकीला भाला होता है, आदमी को उसी पर बैठा दिया, गुदा में पहना के बैठा दिया जाता है, और फाड़ते हुए पूरे शरीर को चीर देता है। कहा गया अनलहक कहना छोड़ दो, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। वो अनलहक 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 कहते रहे। देह रहने वाली नहीं है, सत्य को छोड़ दे, अनलहक कहते रहे। और जब उनको सूर्य पर बैठाया गया तब भी अनलहक। लिंकन के लिए ही बात हुई, जब ये दोबारा राष्ट्रपति हुए, उधर 4 वर्षों का घोर युद्ध, गृह युद्ध चला, क्योंकि गोरे लोग नहीं चाहते थे, बहुत से गोरे, कि गुलामी प्रथा बंद हो, क्योंकि गुलामों से वो खूब काम ले रहे थे। और इन्होंने व्रत लिया, गुलामों को आज़ाद किया, दोबारा राष्ट्रपति हुए तब तुरंत कानून पास करके और संशोधन करके संविधान में, और पास कर दिया कि कोई किसी को गुलाम नहीं बना सकता। 40 लाख निग्रो काले उस समय वहाँ गुलाम बना के रखे जाते थे। कुछ मित्रों ने कहा कि आपकी जान का जोखिम है, क्योंकि ये स्वयं वो गोरे थे लिंकन, लेकिन लोगों ने कहा कि ये जो दास प्रथा, गुलाम प्रथा के हिमायती हैं, वो आपकी जान के जोखिम हैं। उन्होंने कहा कि लाखों लोग मरे युद्ध में, और भी सब पीड़ित हैं, मैं अपने शरीर की रक्षा के लिए प्रबंध करूं तो ये मेरी भयंकर कायरता होगी। अगर मेरे देश के लोग मुझे सजा देना चाहते हैं तो सजा दें, खुशी से हम झेलने को तैयार हैं। ये बिल्कुल महात्मा गांधी का शब्द है। महात्मा गांधी लिंकन के 4 वर्ष बाद पैदा होते हैं, जब वो मर जाते हैं लिंकन, तब 4 वर्ष के बाद गांधी जी पैदा होते हैं। मैंने तो अभी आखिर किया और उसमें लिखा कि मानो लिंकन ही 4 वर्ष के बाद और विकास करके महात्मा गांधी भारत में हुए। तो
उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर की रक्षा नहीं करूँगा। जिस समय नाटक देख रहे थे, न उनके पास कोई एक पिस्तौल, न एक छुरी, न कोई अंगरक्षक, और बदमाश आकर के पीछे से गोली मार दी। तो शरीर तो नहीं रहता है, ऐसे महापुरुष की सुकीर्ति और आदर्श कितना ऊंचा है। मैंने कल कहा था, शायद जवाहरलाल ने कहा था जब गांधी जी की हत्या हुई, कि गांधी जैसा महापुरुष बिस्तर पर मरे कोई मूल्य नहीं था। गांधी जी के जीवन में तो एकदम चमक आ गई। महापुरुष अपनी ऊंचाई में होते हैं, और ऊंचाई है बोध, सही बोध। अपने अपने ढंग का स्तर अलग अलग है, लेकिन सूफी संतों ने भी अनलहक कहा। यहाँ तक कि निरुक्ति में, यास्क मुनि की निरुक्ति में जो वेदों के शब्दों की परिभाषा देती है, वो पुस्तक आज से 2800 वर्ष पूर्व बनी है, और उसमें 22 निरुक्तकारों की उन्होंने चर्चा की है। उन निरुक्तकारों को कुछ नहीं मिलता है, केवल उसी ग्रंथ से मिलता है। तो उन्होंने वेद मंत्र उठाया है और अर्थ किया है, और कहा है कि ये पौराणिकों का अर्थ है। दूसरा अर्थ किया, ये कर्मकांडियों का अर्थ है। तीसरा अर्थ किया, ये ऐतिहासिकों का अर्थ है, लेकिन अध्यात्मवादियों का ये अर्थ है। और अध्यात्मवादियों का जो अर्थ है वेद में, वो सब हम लोगों के विचारानुसार है। इसलिए दुनिया कभी खाली नहीं रही सत्य के दृष्टाओं से, सब समय सत्य के दृष्टा रहे। कबीर साहब का जो मूल विचार है, आत्मज्ञान, आत्मशोध, आत्मशांत, ये सार्वभौमिक सत्य है। ये उनका नहीं है, सबका, और वही सबकी बात तो कहते हैं। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, ब्रह्म की कल्पना अगर अलग करते हो तो तुम्हारी कल्पना हुई, तुम श्रेष्ठ हुए। अलग ब्रह्म नहीं, स्वयं आत्मा ब्रह्म है। ब्रह्म बड़ा की जहाँ से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया। प्राय संसार में यह है कि हमारी पुस्तक आकाश से आई है, लेकिन वेदों में मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा लिखा, स्वयं वेदों में कहीं नहीं लिखा है। स्वयं वेदों के ऋषि कहीं नहीं कहते हैं कि आकाश से आई हुई है ये पुस्तक में। हर सूक्त पर ऋषि का नाम है, और देवता का नाम है, और छंद का नाम है। पहले ऋषि का नाम है, इसका रचयिता कौन है, उस ऋषि का नाम है। उसके बाद देवता का नाम है, देवता का मतलब विषय, ये सूर्य, आदित्य, दधिक्रा, उषा, अश्वनी, जो विषय है उसको देवता कहते हैं, उसका नाम है। उसके पश्चात छंद का नाम है, गायत्री, बृहती, पंक्ति, उष्णिक, जगति, ये छंदों का नाम है। हर सूक्त पर, जिसमें कई ऋचा होती है एक एक सूक्त में, उस पर कर्ता का नाम ऋषियों का है। कहीं नहीं लिखा गया है कि आकाश से वेद आया, पीछे के लोग कहने लगे। अन्य संप्रदाय के लोग भी बहुत से कहते हैं हमारी किताब आकाश से आई है। साहब कहते हैं वेद बड़ा किचन हो जाए, वेद से अभिप्राय यहाँ है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र बड़ा है कि धर्मशास्त्र का रचयिता बड़ा है? धर्मशास्त्र का रचयिता बड़ा है। वेद में या धर्मशास्त्र में जो लिखा है मान लेना चाहिए, ये बात उसके अनुगामी ही नहीं मान पा रहे हैं। सबसे पुराना ग्रंथ वेद है, और वेद के 55 मुद्दे आज से 1000 वर्ष पूर्व वैदिकों ने ही न मानने की घोषणा कर दी है। कलिवर्ज नाम की पुस्तकों में ये सब लिखा है। कलिवर्ज नाम की पुस्तकें संस्कृत में है सब, और कलिवर्ज का अर्थ है कलिकाल में ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं स्वीकारना चाहिए।
जैसे नियोग से बच्चा पैदा करना वैदिक युग में रस्म था। नियोग का अर्थ है भिन्न स्त्री और पुरुष से बच्चा पैदा करना। कोई पति पत्नी है, पति कमजोर है, उससे गर्भाधान असंभव है, तो पत्नी को किसी दूसरे पुरुष से गर्भवती कर दिया जाए और खुला रूप में रहे कि अमुक से किया गया है। ये पहले प्रचलन था, पांडवों की उत्पत्ति इसी प्रकार हुई है और पांडव कौरों की जो मूल है उन्हीं की उनकी भी ऐसे हुई है। तो नियोग प्रथा इसको कहते हैं, ये वैदिक परंपरा में मान्य रही है। लेकिन हजार वर्ष के पूर्व पंडितों ने लिखा कि यह कलिवर्ज है, कलिकाल में यह नहीं करना चाहिए, ये मधुर खंडन है। हम ऐसा नहीं कहते हमारे पूर्वज गलत थे, वो जमाना था, वो ऊंचा था, ऐसा ठीक था, आज नहीं ठीक, ये मधुर खंडन है। ऐसे 55 मुद्दे हैं, एक दो नहीं, 55। धर्मशास्त्र के इतिहास में तो एक ही जगह सब संकलित कर दिया गया है। इसलिए जो कहता है कि शास्त्रों में लिखा है सब मान लेना चाहिए, शास्त्र के पक्षधर ही नहीं मान पाते हैं। अब ऐसे अन्य अन्य शास्त्रों की भी बात है, जमाना बदलता है, शास्त्रों की कितनी बातें होती जो शाश्वत होती और कितनी सामयिक होती है। सामयिक बातें उड़ जाती हैं, जैसे आज हमारा भारतवर्ष किसी संप्रदाय का पक्षधर होता तो उनके पंडितों से लिखवाता धर्मशास्त्र और उसमें लिखवाता जो एक बच्चा से अधिक पैदा करेगा वो रौरवा नरक में जाएगा, पंडित लोग ऐसा लिखते। लेकिन अब ऐसा यहाँ नहीं है तो नहीं लिखते हैं। तो ये बात आज के लिए भारत के लिए उपयुक्त होती, लेकिन स्विट्जरलैंड के लिए आज ही उपयुक्त नहीं है। वहाँ की सरकार कहती है पब्लिक से ज़्यादा बच्चा पैदा करो और लोग कहते नहीं एक काफ़ी, हम और नहीं पैदा करेंगे, एक ही में हम परेशान हो जाते हैं। तो सरकार कहती है कि जनसंख्या ख़त्म हो रही है, हम क्या करें, तो पब्लिक कहती है कि किसी दूसरे देश से आदमी बुला लो, लेकिन हम ज़्यादा बच्चा नहीं पैदा करेंगे। हमारे भारत वाले अभी इतने नहीं जागे हैं, 8-8, 9-9 बच्चे पैदा कर डालते हैं, 12-14 भी कर डालते हैं। तो अगर ये संप्रदाय सापेक्ष राज्य होता हमारा भारत का आज, तो सरकार लिखवाती पंडितों से कि लिखो एक से अधिक बच्चा पैदा करेगा और औरवा नरक में जाएगा। स्मृतियों में लिखा है कि यज्ञ में मारे हुए पशु का मांस जो नहीं खाता है वह 21 जन्मों तक पशु होता है, क्योंकि उनको ये सिद्ध करना था कि यज्ञ में जो पशु मारे जाते हैं धर्म है, इसलिए कोई साधु संन्यासी अगर घृणा करता है तो पाप करता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें अपने आप निरस्त हो जाती हैं। इसलिए कोई पुस्तक अलौकिक नहीं है, और ख़ास बात तो यह है पुस्तकें मनुष्यों की रचनाएं होती हैं। आकाश से तो कोई पुस्तक आते नहीं दिखती, कोई ऐसा ईश्वर नहीं बैठा है जो पुस्तक बनाए। इसलिए वेद बड़ा कि जिन उपजाया, वेद से अभिप्राय केवल वेद नहीं है, दुनिया के समस्त शास्त्र बड़े हैं कि इनकी रचयिता इंसान बड़े, इंसान बड़े। ईमन बड़ा कि जहिमन माना, मन से अनेक मान्यताओं को हम गढ़ते हैं। साहब कहते हैं मान्यताएं बड़ी हैं कि मनुष्य बड़ा है, मनुष्य बड़ा है, मान्यताएं बड़ी नहीं है। इसलिए अपनी गलत मान्यताओं में परिवर्तन लाओ, किसी से बैर बांध लियो क्योंकि उसने आपके लिए कट कहा है, जैसी समझ दिखा दिया बैर किसी से न बांधो। बैर बांधोगे तो आपकी अंतरात्मा भटकेगी आज ही और आगे भी, और कोई अनुकूल है कब तक अनुकूल है, थोड़ी देर में सब छूट छाट जाएगा। तो कहीं मोह की गांठ न बांधो, ये मोह की गांठ जीव को भटकाएगी।
प्रेम वैर जम जाल हैं जही बस जीव बेहाल है। ताहि त्याग गुरबुद्धि ले सुखिया साधु सुचाल। विशाल देव कहते हैं प्रेम और वैर ये जमजाल हैं और इसी के वसीभूत होकर के सब जीव व्यथित हैं। इसी को त्याग करके साधु सुखी रहते हैं। जो इसको त्याग दे वही साधु है, राग द्वेष में करे वही साधु है। चाहे जहाँ हो चाहे जिस वेश में हो, स्त्री हो पुरुष हो गृहस्थ हो गृहस्थ हो विरक्त हो, जिसने राग द्वेष छोड़ दिया मोह वैर करना छोड़ दिया वो सुखी हो गया। तो मन बड़ा नहीं है, मन की मान्यताएं बड़ी नहीं है, मन का चिंतक बड़ा है, मन को सोचने वाला आप बड़े हैं, मन बड़ा नहीं। मन को समझो मन को संभालो। राम बड़ा की राम ही जाना। राम का अर्थ ईश्वर, ईश्वर की कल्पना आप करते हैं, ईश्वर कृपा करेगा तब होगा, ईश्वर मिलेगा तो कृतार्थ हो जाएंगे। ईश्वर कोई व्यक्ति नहीं जो आपसे मिलेगा, और ईश्वर ऐसा आपके लिए कुछ नहीं कर पाएगा जिससे आपका कल्याण हो जाए। आपने अपना अकल्याण किया है, अब कल्याण करो। सीधी सी बात यह, धर्म गुरु लोग तो कहते हैं जब वो चाहेगा तब ठीक हो जाएगा। इतने दिन बीत गए वो नहीं चाहा, आगे क्या भरोसा है। साहेब ने कहा है आपन आस कीजे बहुतेरा काहुन मरम पावल हर केरा। अपने पुरुषार्थ का भरोसा हर तरह से करो। काहुन मरम पावल हर केरा, हरि का मरम आज तक कोई नहीं पाया। बस अंधियारे में हाथ पैर लोग मार रहे हैं, भगवान चाहेगा सब ठीक हो जाएगा। सब की कृपा हमारे ऊपर है, अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं है। हम अपनी कृपा अपने ऊपर करें, अपने को संभालें। ये विशाल प्रकृति आपको मिली है, धरती मिली है, आकाश मिला है, चांद सितारे मिले हैं, हवाएं मिली हैं, शरीर मिला है, स्वास्थ्य मिला है, संत मिले हैं, साहित्य मिले हैं, भोजन पानी मिलता है, कितना आपको चाहिए। अब आप अपने मन में क्रोध काम लोभ ईर्षा द्वेष चिंता विवेक बनाओगे उसको कौन काट पाएगा। उसके दृष्टा आप हैं, आप ही को काटना पड़ेगा। ये बात संत महात्मा पंडित प्रायः नहीं बताते हैं। बस भगवान की माया नचाती है, भगवान चाहेगा तो छुड़ा देगा एकदम विवश। ये उपदेश बहुत खतरनाक है। आप यंत्र नहीं हैं। आपने सुना होगा कि हम लोग कठपुतली हैं, ईश्वर सूत्रधार है, वही नचाता है। ये उपदेश बिल्कुल गलत है। आप कठपुतली नहीं हैं, आप अपने कर्मों के कर्ता और विधाता हैं। आप अच्छा करें बुरा करें स्वतंत्र हैं। कर लेने के बाद स्वतंत्र नहीं है, उनके फल भोगना होगा। इसलिए अपने को संभालो। तो राम बड़ा कि राम ही जाना, ईश्वर बड़ा है कि ईश्वर को समझने वाला, ईश्वर की व्याख्या करने वाला बड़ा है, ईश्वर का व्याख्याकार बड़ा है। ईश्वर के अनेक रूप गढ़े गए, वो सब रूप आपके बनाए हैं। असली ईश्वर आपके अंदर में बैठा है। घट घट में वही साई बसत है, कटुक वचन मत बोल रहे। सभी घटों में जो बैठा है ईश्वर है। आप जहाँ रहें, आप दुकानदार हैं, दुकान पर जितने ग्राहक आए सबको ईश्वर समझो, भगवान भगवती समझो। ऑफिस में क्लर्क अफसर हैं, जितने लोग आपसे काम कराने आए उनको देवी देवता भगवान भगवती समझो, उनका काम करो। अपने कार्य क्षेत्र में जितने लोग आए उन सबको भगवान भगवती समझो। लेकिन यह बहुत कठिन साधना है। अगर ऐसा समझा जाए तो घूस कहाँ लिया जाए और धोखा किसे दिया जाए, नाप तौल में कम बेस कैसे किया जाए, किससे दाढ़ी प्रसंगा कहाँ मारा जाए। जब सब भगवान हैं तो किसको लूटा जाए। इसलिए सब भगवान नहीं, इनको लूटना है। भगवान या तो मन की कल्पना है या तो मिट्टी पिंड है, लेकिन ये दोनों धोखा है।
मिट्टी पिंड आपका बनाया है और मन की कल्पना आपकी बनाई है, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। चरित्र जब तक न सुधरेगा कोई कल्याण नहीं होगा, और चरित्र सुधरेगा तभी जब प्राण मात्र को भगवान भगवती समझा जाए और सबके साथ सुंदर बर्ताव किया जाए, तब मन निर्मल होगा और निर्मल मन में उच्च स्थिति आएगी। इसलिए ईश्वर की जो आप कल्पना करते हैं वो आपके मन की कल्पना है, और घट घट में उसको समझें, कल्पना छोड़ें, आपके चारों तरफ ईश्वर बैठे हैं, भगवान बैठे हैं, सबका आदर करो। निर्गुण भगवान भीतर है, सगुण भगवान बाहर है। निर्गुण भगवान आत्मा है जो अंदर में है, सगुण भगवान चारों तरफ जो बैठे हैं ये हैं। आंखें खुलें तो सगुण भगवान के दर्शन करो, आंखें बंद करो तो अंदर निर्गुण भगवान, वासना छोड़ो बस निर्गुण भगवान। ये सीधी सादी बात। तो राम बड़ा कि राम ही जाना, ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ वड़ा की तीर्थ का दास। साहब कहते हैं जीव भरमते भटकते हैं तीर्थों में मोक्ष पाने के लिए, और जहाँ जाते हैं वहाँ धक्के खाते हैं, रास्ते में धक्के, वहाँ पंडित पुजारियों के धक्के, और पत्थर पानी हल्ला गुल्ला के अलावा कहाँ क्या मिलेगा। जहाँ आप बैठे हैं अगर वहाँ परमात्मा नहीं मिलता है तो द्वारिका में नहीं मिलेगा। द्वारिका तो नज़दीक है आपसे, जा कर के देख लीजिए। जब मैं वहाँ गया तो मछली की दुर्गंधी बड़े जोर से आ रही थी, और समुद्र का किनारा है, मछली मारते हैं। सोमनाथ गया तो वहाँ भी यही दशा, तो वहाँ परमात्मा कहाँ से मिल जाएगा। बद्रीनाथ जाने में कठिनता है, वहाँ भी चले जाएं तो परमात्मा नहीं मिलेगा, कहीं बाहर नहीं मिलेगा। परमात्मा तो आत्मा में मिलेगा, अपने में जब लौट आए तब मिलेगा। ब्रह्म ब्रह्म कबीरा फिरे उदास, तीर्थ बड़ा कि तीर्थ का दास। आजकल भारतवर्ष में जितने तीर्थ माने जाते हैं इन सब का चारों वेदों में कहीं चिन्ह नहीं, सब का पूरे का पूरा जितने तीर्थ भारतवर्ष में आजकल हैं इन सब में से एक का भी चिन्ह चर्चा वेदों में नहीं है। तीर्थ कहते थे सीढ़ी को, पानी में उतरने की सीढ़ी को तीर्थ कहते थे। फिर तीर्थ कहा गया तारने वाला, नाव का तीर्थ है। फिर कहीं विचित्र स्थान है, नदियों का संगम है, पर्वत का किनारा है, तो वहाँ पर साधक बैठे ध्यान चिंतन करने लगे तो वहाँ तीर्थ मान लिया गया। कोई महापुरुष कहीं पैदा हुआ वहाँ तीर्थ मान लिया गया। इस प्रकार बढ़ता गया, आवाम जनता वहाँ जाने लगी। वहाँ जाएं तो सबके मन में एक आदान प्रदान की भावना बढ़े, अपने देश को उसको देखें, और घर छोड़े कुछ दिन के लिए थोड़ा त्याग तप करें, और ऐसे में कहीं संत महात्मा मिलेंगे तो उनसे विचार भी मिलेंगे। ये सब उसमें लक्ष्य हुआ। फिर उसकी महिमा गाई जाने लगी, क्योंकि वहाँ के पंडित पुजारियों को पुजवाने की चेष्टा बढ़ी तो खूब महिमा बढ़ी। तो इतनी महिमा बढ़ी कि चारों तरफ महिमा गूंज गई तीर्थों की, और लाखों की भीड़ होने लगी, और पंडित पुजारी खूब पुजवाने लगे, और अनेक अत्याचार भी होते हैं। वैसे पंडित पुजारी जो वहाँ रहते हैं वह हकदार हैं पाने के। आप जाते हैं, आपको जगह देते हैं, प्रबंध करते हैं, रक्षा करते हैं, आप उसको मानते हैं, पूछते हैं, तो उनको मेहनताना देना चाहिए। लेकिन इतने तक नहीं है, धांधलेबाजी बढ़ जाती है। वो ये केवल हिंदू समाज का दोष नहीं है, सभी समाजों में यह दोष है। असली पर नकली बात आ जाती है, इसलिए हर जगह सुधार की आवश्यकता है। साहब कहते तीर्थ बड़े नहीं हैं, तीर्थों के स्थापक ये मनुष्य बड़े हैं। तो कुल मिलाकर के चारों पंक्तियों में साहब कहते हैं
कि दृष्टा मंता ज्ञाता बोद्धा साक्षी चेतन आत्मा, यही श्रेष्ठ है। वेद, मन, तीर्थ इत्यादि ये सब बड़े नहीं हैं, किंतु इनको समझने वाला, इनकी कल्पना करने वाला, इनको लिखने पढ़ने वाला, जानने वाला मनुष्य का आत्मा बड़ा है। अपनी गरिमा को समझो। सारे ज्ञान विज्ञान का स्रोत कौन है? तेल का स्रोत, पानी का स्रोत है जमीन में और रत्नों की खान जमीन में है, लेकिन ज्ञान की खानी और ज्ञान का स्रोत किसी धरती में कहीं नहीं, ये मनुष्य। मनुष्य न होता, देखो चंद्रलोक में वैज्ञानिक गए, वहाँ एक देवता का चिन्ह नहीं पाए। देवता रहे जबरदस्त, वहाँ तो और बसना चाहिए देवताओं को, एक चिन्ह नहीं पाए, क्योंकि देवता को बनाने वाला मनुष्य वहाँ नहीं है। यहाँ मनुष्य है तो देवता बना लेता है, और फिर तब जब सड़क के किनारे दुकान लगाने की इच्छा होती है तो एक देवता को सामने रख दिया जाता है, फिर किसी की हिम्मत है उसको हटा दे? क्योंकि अगर उसको हटाया तो धर्म में खतरा हो जाएगा और फिर बलवा शुरू हो जाएगा। तो देवता रख रख करके दुकानें खूब बढ़ रही हैं और उपासना स्थल बन रहे हैं। मनुष्य की उपासना नहीं करना है, मनुष्य के लिए न्याय नहीं देना है। ये सारे कर्म धांधलेबाजी के कारण बन जाते हैं। साहब कहते हैं झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, अय राजा राम, अय महान मनुष्य, ये द्वंद्व है। जानने वाला जानी हुई चीज, मानने वाला मानी हुई बात, दोनों में कौन बड़ा है? जानने वाला बड़ा है जानी हुई चीज नहीं, मानने वाला बड़ा है मानी हुई बात नहीं। जानने वाला ही दृष्टा है, वही बोद्धा है, वही मंता है। दृष्टा जो देखे, बोद्धा जो जाने, मंता जो मनन करे। दृष्टा बोद्धा मंता ये मनुष्य का आत्मा ही है। अपनी गरिमा को समझो, अपने को संभालो, अपने को ऊंचा उठाओ, चरित्र को शुद्ध करो, मन को निर्मल करो, अवंतिम स्थित की याद करो। कुछ रहेगा नहीं, किसी का कुछ नहीं रहेगा। मैंने अब्राहम लिंकन की पत्नी मैरी टाट, उनका नाम था मैरी टाट, मैरी टाट रजोगुड़ी और बहुत खर्चीली स्वभाव की और बहुत चुलबुल थी। एक बार तो एक सभा में ही, व्हाइट हाउस में ही उन्होंने मजाक किया, मजाकी थी लिंकन। उस समय उनकी पत्नी बहुत बनठन के बैठी थी, तो लिंकन बैठे तो पास की महिला से कही, ये मेरी पत्नी देखो एकदम कुमारी कन्या जैसी लगती है, कितनी सुंदरी है, मैं इनके प्यार देने लायक गरीब आदमी हूँ नहीं हूँ, और ऐसे ऐसे शब्द कहे, सब ठहाका मार के हंस पड़े, हवे लज्जित हो गए। लेकिन इतनी रजोगुड़ी, पति के मरने के बाद एक प्रकार का विचित्र वैराग उत्पन्न हो, बच्चों के साथ भी नहीं रहे, बहन के घर चली गई, एक कमरे में वो पलंग डाल दी और आधे पर अपना रहती थी, और जिधर लिंकन रहते थे उसको वैसे बनाए रखे, एकदम भारतीय पतिव्रता स्त्री की तरह। और बोलना उन्होंने बंद कर दिया, क्या बोलना है संसार, दुनिया से थके बिना अपने को पाओगे नहीं। कई सज्जनों से मैं पूछता हूँ दुनिया से थके कि नहीं, ऐसे लोगों से पूछता हूँ जो समझदार है। कुछ लोग कहते साहब अभी थकावट नहीं आई। मैं कहता भाई थकावट नहीं आई तो अपने को नहीं पाओगे, थको दुनिया से, भोगों से थको, ये दुनिया की चमक दमक से थको, ये सब छूट जाने वाला है, एकदम क्षण में सब खो जाएगा। सबको जानने वाला दृष्टा ज्ञाता साक्षी चैतन्य आत्मा है स्वयं, सब में उलझ उलझ करके दुखी है, सबसे हटकर लौटकर अपने में आ जाने पर वह परमानंद मिलेगा जिसकी हर आत्मा को अभिलाषा है। बस।